दोस्तों आज हम चला रहे हैं स्कोडा स्लाविया और ये है इसका 1 लीटर इंजन वाला वेरिएंट। आपको पता होगा स्लाविया में दो इंजन आते हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर। ये 1 लीटर में टॉप ऑफ द एंड वेरिएंट है या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप कहें। 1 लीटर में जैसा हमको पता है कि अभी स्कोडा स्लाविया में क्या है कि नाम चेंज हुए हैं, पहले एक्टिव एम्बिशन स्टाइल आते थे, अब यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है। ये इसलिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। अब आते हैं क्लासिक, सिग्नेचर, प्रेस्टीज। तो ये 1 लीटर में प्रेस्टीज है, 1 लीटर में आपको अब जो है स्पोर्ट लाइन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल हम चला रहे हैं इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। आज मेन फोकस इसमें नहीं करेंगे कि क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्योंकि कितनी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको देखनी होगी तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाना, स्कोडा के अंदर जाना, आप स्लाविया की बात करो, कुशाक की बात करो, इनके सारे वेरिएंट की आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएगी। तो आज मैं ये बात तो करने वाला नहीं हूँ कि इसमें आपको टायर साइज ये मिल रहा है, अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही है। आज मेन बात ये करने वाले हैं कि 1 लीटर परफॉर्म कैसा करता है हाईवे में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से रुद्रपुर जा रहे हैं हल्द्वानी से, तो डिस्टेंस जो है 20 से 25 किलोमीटर का है। उसमें देखेंगे कि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना मुझे वाइब्रेशन अंदर बैठ के फील हो रहा है, कितनी मुझे नॉइस आ रही है, स्टेबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो भी चेक कर लेंगे। सब चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अच्छे लगे आप लाइक कर देना, एंड जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक और रिमाइंडर दे देता हूँ, जो भी लोग हल्द्वानी से गाड़ी परचेस करना चाहते हैं वो पाल स्कोडा पे जा सकते हैं, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और एक और चीज़, जहाँ मैं रुद्रपुर जा रहा हूँ वहाँ भी पाल स्कोडा का शोरूम खुल गया है, तो जो रुद्रपुर के नियर बाय रहते हैं वो रुद्रपुर डीलरशिप में जाके पाल स्कोडा से गाड़ी परचेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं, तो अभी गाड़ी स्टार्ट है और पुश बटन स्टार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आता है। टोटल आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं 1 लीटर इंजन में, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है, तो आप इसको नॉर्मल इंजन मत समझना। पावर की बात करता हूँ, 114 की BHP, 178 Nm ऑफ टॉर्क। चलो जी, गाड़ी जो है सिर्फ क्लच छोड़ने में ही बहुत ही इजीली उड़ जाती है, जैसे डीजल कार्स आपकी पिकअप लेती है ना, सेम इसका 1 लीटर यहाँ पे पिकअप ले लेता है। तो यहाँ पर अगर आप 3000 RPM तक जाओगे तो आपको जो इंजन की साउंड है कैबिन में सुनाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप स्मूथ शिफ्टिंग करते हो लाइक 1500-2000 RPM में गियर चेंज करते हो, फिर कोई भी हमें मसला नहीं है। अब जैसे अभी मैं 2500 RPM में चले गया हूँ, 3000 पे जा रहा हूँ, तो ये देखो कितना अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग पुल देखने को मिलता है 3000 के बाद। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप हाई RPM पे ले जाओगे तो आपको जो साउंड है थोड़ी सी ज़्यादा सुनने को मिलेगी कंपेयर टू 1.5। वो 4 सिलेंडर भी है तो थोड़ी नॉइस कम आती है, ये 1 लीटर 3 सिलेंडर है। बाकी अगर जैसे मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, स्पीड मेरी 56 समथिंग है, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है ना, स्कोडा की गाड़ियाँ जो हैं आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए यहाँ पर वेट बढ़ाया गया है, तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चिपक के चलती है। एंड आप जो इसमें कट्स एंड क्रीजेस देखते हो ना गाड़ी में, उसका फ़ायदा आपको मिलता है, यहाँ पर गाड़ी काफ़ी हद तक एरोडायनामिक हो जाती है। बाकी जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना, वो अल्टीमेट है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है, सामने जो आपको नज़ारा देखने को मिलता है ना स्पीडोमीटर में, वो बहुत अल्टीमेट है, मतलब कि दिल खुश हो जाता है, इतना अच्छा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यही फ़र्क होता है कि अगर आप ऊपर की वेरिएंट्स लेते हो ना थोड़ा ज़्यादा पैसा डाल के, लोग कहते हैं यार क्या होना है, पैसे की बर्बादी है, फीचर्स तो ज़्यादा मिलेंगे नहीं, थोड़े बहुत फीचर्स मिलेंगे, उससे होना क्या है, लेकिन ये चीज़ आपको अंदर बैठ के बहुत अच्छा फील कराएगी। तो जैसा हम चल रहे हैं अभी 59 की स्पीड में, और अभी मैं चौथे गियर पे हूँ, बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं लग रही है यार कि मैं 5वां डालूं या फिर 3रा डाल के थोड़ा और इसको रेज दूं। चौथे में भी अगर मैं 5वां दबाता हूं, गाड़ी सट पिकअप ले लेती है, और इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं स्टीयरिंग से हाथ छोड़ सकता हूं, ठीक है। ये चीज़ है इन गाड़ियों में, बिल्कुल भी ना उड़ती नहीं है, खिसकती नहीं अपनी जगह से, ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी देखो 1 लीटर में उन लोग को सजेस्ट करता हूँ जिनको यहाँ पर अपनी स्लाविया से माइलेज भी निकालना है। आपको पता है इनके इंजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं, आपको लगता होगा माइलेज नहीं निकालते हैं, लेकिन आप लोग गलत हो। 1 लीटर इनका जो है ज़्यादा टारगेट करता है माइलेज पे, कम टारगेट करता है परफॉर्मेंस पे, 1.5 दोनों पे इक्वली करता है। कैसे करता है वो बात फिर हम कभी करेंगे, आज 1 लीटर की बात कर रहा हूँ। तो माइलेज काफ़ी अच्छा निकालेगा। अगर आप सामने देखोगे, हमने यहाँ से शुरू किया था जब हम शोरूम से लेके गाड़ी आए थे पाल स्कोडा से, तो यहाँ पर माइलेज शो हो रहा था 5 समथिंग KMPL का। अगर आप अभी चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको 11.3 का कर रहा है, जबकि अभी हमने रीसेट भी कर रखा है, ठीक है। हमें 7 मिनट आने लिखा होगा ना, हमने रीसेट भी कर दिया था, तो 11.5 का माइलेज निकल रहा है। तो जैसे जैसे अभी मैं रुद्रपुर की तरफ जाऊँगा, पूरा वहाँ पहुँचूंगा, आप देखना एंड में माइलेज बढ़कर ही आएगा। प्रॉपर माइलेज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो तो है नहीं, वरना अगर मैं उसमें आऊँगा तो
वो चीज़ फिर उसके लिए गाड़ी लंबी चलानी पड़ती है और अभी इतना हम पे टाइम है नहीं, लेकिन ये चीज़ जरूर से है कि हाँ गाड़ी जो है माइलेज की तरफ है। अभी देखो मैं जिस रोड में चल रहा हूँ ना, ये टांडा जंगल वाली रोड है, रामपुर रोड हम इसे कहते हैं, यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, करने को तो रोड चौड़ी कर दी सरकार ने, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा स्पीड में चला नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे चलान है 80 या 60 से ऊपर जाने में ही चलान है, तो थोड़ा सा मेरे को चीज़ का भी ध्यान रखना है। तब तक हम और बातें करते हैं, लाइक मैं स्टीयरिंग फीडबैक की बात करूंगा तो बहुत अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक है, कोई बिल्कुल परेशानी नहीं है, कंफर्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट, ड्राइवर के लिए भी, को ड्राइवर के लिए भी, इलेक्ट्रिक सीट मिल जाती है दोनों के लिए, ड्राइवर के लिए भी और फ्रंट पैसेंजर के लिए भी, दोनों अपनी हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब ड्राइवर वाला तो करता ही है, फ्रंट पैसेंजर वाला भी करेगा, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया होती है ना, लोग कहते हैं क्या करना है वेंटिलेटेड सीट का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इतना सही आपको आराम दे देती है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। अब अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करता हूँ तो गियर शिफ्टिंग स्मूथ है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मैं कहूँगा, लाइक अगर आपने हुंडई की कार चला रखी है, उनकी पेट्रोल कार चलाई है, वो बहुत ही लाइट आपको यहाँ पर गियर सिस्टम देते हैं, इनका बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है लेकिन इनका जहाँ पर होना चाहिए ना एकदम कहते हैं ऑन पॉइंट होना चाहिए, वो आपको मिलेगा। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि 5 गियर से काम चल जाएगा ना, 1000 cc में 6 गियर से करना ही क्या है, ये फ़ायदा आपको मिलता है अगर आप गाड़ी थोड़ी स्पीड में चला रहे हो एंड आपको यहाँ पे माइलेज भी निकालना है, तो आपकी गाड़ी में जो एक्स्ट्रा गियर होता है ये आपकी पूरी पूरी मदद करता है। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ 54 की स्पीड में, 60 पे मैं चल रहा हूँ, गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, नहीं तो आप बहुत अच्छा माइलेज इस गाड़ी से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो यहाँ पर जैसे आपने डिज़ायर अगर चलाई है तो डिज़ायर में क्या है, जो ये ए पिलर है ना वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, अभी तो खैर किसी भी गाड़ी का परेशान नहीं करेगा क्योंकि सीधी रोड है, लेकिन कभी आप पहाड़ों में चलाते हो, इस गाड़ी में आपको विजिबिलिटी को लेके कभी भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी पिलर कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। और इसके जो टॉप वाले वेरियंट्स है ना, इनमें जो लाइटनिंग का आपको थ्रो मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो हॉर्न है वो भी अल्टीमेट क्वालिटी का है। बाकी ब्रेक्स जैसा हमें पता है 2 डिस्क ब्रेक आते हैं, लोगों को लगता है कि जब तक गाड़ी में 4-4 डिस्क ब्रेक ना हो तब तक गाड़ी में ब्रेक बाइट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 2 डिस्क ब्रेक भले ही मिलते हैं लेकिन इन्होंने फीचर्स ऐसे ऐसे डाल देखे हैं, हालांकि कंपनी जो है चेक रिपब्लिक हो गई है, अभी मैं जर्मन बोलने वाला था, लेकिन अगर मैं इनके इंजीनियर्स की बात करता हूँ स्कोडा के, बहुत ही बढ़िया कि आपको बहुत बढ़िया आपको ब्रेक क्वालिटी मिलती है, अभी मैं लूंगा नहीं क्योंकि मैं हाईवे में हूँ, नहीं तो मैं आपको पैनिक ब्रेकिंग में करके दिखाता और स्टीयरिंग का हाथ भी छोड़ता, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आती। अच्छी चीज़ ये है कि मतलब गाड़ी इतनी कमांडिंग वाली है कि आप इसको एक फिंगर से भी चला सकते हो, हालांकि चलानी नहीं चाहिए, लेकिन सच में आपको बहुत ही इसमें बैठ के ना आराम सा फील होगा, और जो इसके साइड मिरर्स है ना वो भी आपको पूरी पूरी चीज़ें आगे पीछे की हर जगह की शो करते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। चलो थोड़ा सा इसको अगर मैं भगाऊँ 4th गियर में, अभी जो भाई मेरे संग बैठा उन्होंने मेरे को बताया वो माइलेज पर जरा गौर तो फरमाओ, यहाँ देखो आप कितने का निकाल रही है, 18.8 KMPL का, ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है अगर आप 80 से नीचे चलो और थोड़े हाई गियर्स में रहो तो ये चीज़ का फ़ायदा मिलता है। 19.2 हो गया है, अभी 11 मिनट ही हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 1 लीटर इंजन है ना, ये कहीं ना कहीं उन लोगों पे ज़्यादा टारगेट कर रहा है जिनको यहाँ पर गाड़ी इकोनॉमिकल चाहिए, जिनका चलना बहुत ज़्यादा डेली का होता है, परफॉर्मेंस भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नेचुरल इंजन चाहिए कि यार भाग नहीं पा रहा यार तुरंत गियर चेंज करना पड़ रहा है, यही तो मज़ा टर्बो का है। अब देखो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अपने सेगमेंट में बेस्ट है, बिल्कुल 179 mm का, जितना आपको यहाँ पर SUVs ऑफर करती हैं। उसका फ़ायदा कहाँ मिलता है, ऐसे रोड बम्प्स में, जैसा अभी सामने फाटक आ गया है ना, अभी हम एक पहले इस तरीके से निकल गए, अभी हमें आकर एक और स्पीड ब्रेकर देखने को मिलेगा, ठीक है, अभी तो चलो हम 2 लोग हैं, ज़्यादा गाड़ी में सामान नहीं है, लेकिन कभी 5 लोग बैठे, बड़े बड़े लगेज रखें, गाड़ी दबती है तब भी इसका इतना ग्राउंड क्लियरेंस रह जाता है कि आपकी गाड़ी टकराएगी नहीं, ऐसे हाईवे में थोड़े छोटे मोटे ऑफ रोड में कभी आपको परेशान नहीं करेगी, वरना सेडान में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ होती है। एंड इसका जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत हल्के पाँव से ही आपको इसका गियर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस आपको ज़्यादा ट्रैवल करनी नहीं पड़ती है। एंड जैसे अभी मेरे को जो सामने रोड है ना थोड़ी देर खाली दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अगर मैं धीरे धीरे करके इसको भगाता हूँ, सडनली तो भगाऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी रहता है, अभी जैसे मैं 4th गियर में हूँ और 3000 RPM टच करने वाला हूँ, कॉन्ट्रिंग कर रहा हूँ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि स्पीड कम करनी पड़ेगी या फिर स्टीयरिंग को ज़्यादा ही काटना पड़ेगा फिर गाड़ी यहाँ से दूसरे लेन में चली आएगी, ऐसी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और ये देखो 4th में ही चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा मैंने कि 3rd गियर डाला, ये डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, यही तो टर्बो का मज़ा है।
और यहाँ पर अगर आप 1.2 लीटर वाली गाड़ी चला रहे हो या फिर 1.5 नेचुरल चला रहे हो ना, उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और ब्रेक्स बहुत प्यारे, मतलब इतने तेज अगर भगा रहे हो ना गाड़ी को, अगर गाड़ी सडन एक्सेलरेट कर रही है, इसके जो ब्रेक्स हैं आपको ये मेक श्योर करते हैं कि आप एकदम से जो है गाड़ी को डीएक्सेलरेट भी कर सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है, भागने को गाड़ियाँ भागती हैं, लाइक मारुति है अपने प्रोडक्ट्स को हल्का बनाता है, गाड़ी भागती बहुत तेज है, लेकिन जब ब्रेक लोगे ना उतनी अच्छी उनकी ब्रेक बाइट नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ का कॉन्फिडेंस आता है। चलो एक चीज़ ट्राई करते हैं, मैं डालता हूँ गाड़ी को छठवें गियर में, ठीक है। अब यहाँ से उठा के देखते हैं कितना टाइम ये लेती है। सपोज करो मेरे को सामने ये पोलो को ओवरटेक लेना है, क्या मेरे को डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा? ये चीज़ को चेक करते हैं। बढ़ रहा है आरपीएम, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप देखो बिना यहाँ पे गियर को छुए, गियर को यहाँ पे डाउनशिफ्ट करे, आराम से गाड़ी निकल जाओ। टर्बो का मजा देखो, भागते जा रही 90 पहुंच गई, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, मतलब आप मैनुअल में ना ऑटोमेटिक का मजा ले सकते हो हाईवे में, ठीक है। ये फायदा इस गाड़ी का है। अभी 1 लीटर चला रहे हैं। अगर आपको 1.5 वाली वीडियो देखनी है ना, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब चलो सामने ये मलिक भाई साहब की गाड़ी है, आईचर बस है अपनी, इसको भी ओवरटेक करेंगे। देखो ट्रैफिक कितना सारा आ रहा है सामने से, और रहेंगे हम 6 गियर में ही, डाउनशिफ्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा चैलेंज लेते हैं वीडियो में। चलो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है यार, लग रहा है ओवरटेक होगा नहीं, पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि मैं बिना यहाँ पर डाउनशिफ्ट करे गाड़ी को निकालूँ। अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी मेरे को तो मैं करूँगा जरूर से, रिस्क ज़्यादा ले नहीं सकता ना वीडियो के चक्कर में। अभी तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी खाली मिल नहीं रहा है, कभी बाइक वाले आ जा रहे हैं, कभी कार वाले आ जा रहे हैं। और दूसरा क्या है ना, ये रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, छोटी सी रोड है, पतली रोड है, मतलब एक लेन से एक ही गाड़ी पास हो पा रही है, तो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी अपने को। लेकिन कुल मिला के अभी तक जितनी मैंने गाड़ी चलाई है, जितनी डिस्टेंस मैंने कवर करी है, लाइक 10 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है, तो इसमें मेरे को एक चीज़ तो बढ़िया फील हो गई है कि गाड़ी जो है माइलेज अच्छा निकाल रही है। परफॉर्मेंस जैसा हमें लगता है कि 1 लीटर यार क्या परफॉर्म करेगा, टाइम लेगा, डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल परेशानी नहीं है। और मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि अगर मैं कभी से पहाड़ों में लेके गया, मैंने 5 लोग बैठा रखे हैं, 1 लीटर मैनुअल ले जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी अगर कभी ऐसा चक्कर लगा तो मैं आपको वीडियो जरूर से बना के दूंगा। अभी भी लगा हम छठवें गियर में चलने में लगे हैं यार, हालांकि स्पीड चलो ठीक ठाक सी है, 57-58 में चल रहे हैं। आरपीएम भी हमारा 1500 आरपीएम तक ही मान के चलो आप, उतने में मेंटेन है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको हल्की हल्की नॉइज़ फील हो जाएगी, जो कि आपको 4 सिलेंडर इंजन में फील नहीं होती है, तो 3 सिलेंडर में जरा ऑड इवन पेयर की वजह से ना होता ही है। कोई नहीं, अब मिलने वाला है हमें, नहीं मिलने वाला यार, लोग आ रहे एकदम उड़ते हुए। लेकिन यार गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है भाई, मानना पड़ेगा यार। तो मिल गया हमें एक यहाँ पर ओवरटेक करने का, यहाँ पे अब बहुत इजीली ओवरटेक हो जाती है, ठीक है। अब स्पीड एक बार इसका टर्बो अगर ऑन हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो भागते ही जाएगी बस, इतना हमें भगाना नहीं। 110 ये कब पहुंच जाती है पता चलता है नहीं। दोस्तों इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, कंक्लूजन मैंने थ्रू आउट द वीडियो देते गया हूँ आपको, तो लास्ट में कंक्लूड करके कोई फायदा है नहीं पूरी वीडियो को, आपको पता ही है क्या हमने देखा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, अगर आपको किसी और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की वीडियो देखनी मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि ऐसे मुझे पता चलता नहीं है। बाकी जैसे ऐसे मुझे मौके लगेंगे टेस्ट ड्राइव दिखाने के और ड्राइव रिव्यू देने के, मैं आपको देते रहूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक और नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।